हाँ जी सर, कहीं क्या ठीक है। मैंने भी समाज में चैलेंज के करीब कदम आई हो बैठे हुआ था भाई। आईसीसी मैच वर्कआउट टू ट्वेंटी थ्री इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, इंडिया ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग की, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और 50 ओवर में 273 रन की ऑल आउट हुई। डेल मिचल 130, रविंद्र 75, ग्रीनफील्ड 23, इंडिया की जाने शामी ने 5, कुलदीप यादव 2, सिराज 1। इंडिया ने 274 का टारगेट जो है वो 48 ओवर में चेज कर लिया। 6 विकेट, विराट कोहली 95, रोहित शर्मा 46, रविंद्र जडेजा ने 39 रन आउट। न्यूजीलैंड के लुकी फर्गुसन ने 2, मिसेस ने 1 को मैच खेलने से 1 को किया। तो इंग्लैंड इंडिया ने गेम में जो है वो 6 4 विकेट से जीती है। इंडिया 1/4 विकेट। ऐसे लग रहा था जब न्यूजीलैंड की बैटिंग कर रही थी और 39 ओवर में न्यूजीलैंड का 200 स्कोर हो चुका था, पूरा 200। ऐसे लगता था कि जो है वो 350, 320, 350 तक करेगी, लेकिन 300 भी नहीं कर सकी। डेरिक मिचल की इतनी स्लो बैटिंग आखिरी 10 ओवर में, इतनी स्लो बैटिंग, लगता ही नहीं था कि ये सेंचुरी में करे। हालांकि इसको तो तेज खेलना चाहिए था, विकेटें गिरी, प्रेशर आया, इतनी स्लो बैटिंग इसने की, एंड में आगे समझ से बाहर है जी। अब इंडिया ने जी न्यूजीलैंड को भी हरा दिया जी, बहुत स्लो बैटिंग करी है न्यूजीलैंड की जानब से लास्ट 10 ओवर्स में।